हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। तो यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी थायराइड की दवाई लूँगी। और जिनको थायराइड है उनको इसकी इम्पोर्टेंस की पता होगी कि ये गोली एक गोली डेली लेनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ फिर मैं गर्म पानी भी ले लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। जब वो उठेंगे तभी मैं चाय बनाऊँगी। तो अभी थोड़ा आधा एक घंटा बाद ही चाय पीनी होती है ये दवाई लेने के बाद। तो यहाँ पे मैंने पहले दवाई लूँगी मैं, और गर्म पानी था, थोड़ा ज़्यादा तेज़ गर्म पानी था, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दवाई। और उसके बाद फिर मैं बैठ के आराम से पानी पीऊँगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी किया है जो कि मैं घूट घूट करके ही पीऊँगी। और यहाँ पे फिर मैं ड्राइंग रूम है यहाँ पे, और हवा पंखा चला दिया था तो अच्छी खासी हवा आ रही थी। और सुबह जैसे भी थोड़ी आपको पता है कि मुझे फ़ीवर है 2-3 दिन से, तो एकदम से मुझसे काम भी नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा बैठ जैसे सो के उठी थी, गर्म पानी पी रही थी तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी। एकदम से मुझ पर काम नहीं हो रहा है, थोड़ी सी वीकनेस है, तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और पंखा चला दिया था। थोड़ी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी है तो घुट घुट करके पी रही हूँ। तो बस अब यहाँ पे लग जाते हैं हम अपने काम में। तो वैसे तो मैंने यहाँ टी शर्ट पहन रखी थी, लोअर टी शर्ट, तो लेकिन अब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने वैसे ही जो मुझे कंफर्टेबल कपड़े लगते हैं मॉर्निंग में मैंने वो पहन लिए थे। तो यहाँ पे फिर मैं बेडशीट सही कर रही थी इस कमरे की। तो ये अभी मैंने थोड़ा स्टोर रूम टाइप से ही बना रखा है। आपको मैंने बताया है कि थोड़ी मुझे स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, इस फ्लैट में अलमारी नहीं है तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। तो अभी लॉकडाउन ख़त्म होते ही देखेंगे अलमारी खरीदेंगे, तब तक मैंने ये रूम जो है वो स्टोरेज रूम बना रखा है। और दूसरे रूम में हम रहते हैं, पूरा दिन उसी में रहते हैं क्योंकि एसी टीवी सब उसी में है, तो मैं और बच्चे उसी में रहते हैं। हस्बैंड तो रात को 8-9 बजे तक आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लगा रही थी कपड़ों की तह, क्योंकि ये कपड़े मैंने, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो कल शाम को धोए थे, तो आज मैं मतलब रात में सूख गए। अब इनकी तह लगा लूँगी और जैसे ही मुझे आराम मिलेगा, मतलब काम वाम मेरा फिनिश हो जाएगा, तब मैं इनमें प्रेस करूँगी इन सब पर। तो अभी बेड पे ही रख दूँगी। और बाहर मैं अभी कपड़े इसलिए भी नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि बारिश का आंधी का पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए, तो इसलिए मैं बाहर कपड़े नहीं सुखा रही हूँ। तो यहीं पर जो ये कपड़े सुखाने का वो है स्टैंड, तो इसी पे मैं कपड़े सुखा देती हूँ। गर्मी इतनी है कि सूख जाते हैं कपड़े, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों की लगा दी है तह, और उसके बाद इस स्टैंड को भी मैं इकट्ठा करके एक साइड रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी एक साइड रख दिया है। और अभी सिलेंडर भी मेरा कल परसों ख़त्म हो गया था, आप देख रहे हो ये खाली सिलेंडर है। उसके बाद ये जो आप तक ये देख रहे हो इनको भी मैं सेट कर दूंगी। मिश्का क्या करती है कि मैं ऐसे लगाती हूँ जैसे मैं लगा रही हूँ आपके सामने, और मिश्का क्या करती है कि दीवार पर लगा देती है लंबे करके तकिया और कुशन। तो मैं उसे कई बार डांटा भी है लेकिन मानती नहीं है, उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस मेरी और मिश्का की ऐसे ही चलती रहती है। तो ये कुछ और कपड़े थे जिनकी मुझे तह लगानी थी, इनको भी मैं लगा दूंगी। तो ये कमरा ऐसे ही रहेगा, मतलब साफ़ सुथरा है वैसे, पर थोड़ा सा ज़्यादा सामान है। तो अभी थोड़ी सेटिंग करने वाली हूँ मैं 1-2 दिन में, आप देख लेना। तो यहाँ पे फिर मैं जो मेरे सोफ़े हैं, बॉक्स वाले सोफ़े हैं ये, तो इनका जो कवर है ऊपर का उसको ठीक कर रही थी मैं। और ये मैंने ड्राइंग रूम में ही रख दिए हैं क्योंकि ड्राइंग रूम में जैसे कि मुझे सब्जी वगैरह काटनी होती है तो वहीं पे किचन है पास में, तो मैं यहाँ पे बैठ के बहुत आराम से सब्जी काट लेती हूँ पंखा चला के। और अंदर बच्चे टीवी देखते रहते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं
सबसे पहले बच्चों के लिए बनाऊंगी मैंगो शेक। तो ये आम मैं मंगवा के रखती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर मैंगो शेक बहुत पसंद है गर्मी में। और इस टाइम मैं चाय नहीं बना रही हूँ बच्चों के लिए, सर्दियों में तो मैं चाय बना के दे देती हूँ, लेकिन अब मैंगो शेक दे देती हूँ मैं सुबह को। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लेंडर भी ऑन करके तैयार रख लिया है, और कुकर में आलू उबाले थे मैंने, तो उसका ढक्कन मैं कुकर के ऊपर रख दूंगी। यहाँ पे फिर मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है, मैंने दूध पहले ले लिया था, पानी नहीं डालूंगी इसके अंदर, और थोड़ी सी डालूंगी चीनी। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, और मैं ज़्यादा गाढ़ा मैंगो शेक नहीं बनाती हूँ, मैं दूध ज़्यादा रखती हूँ, थोड़े मैंगो कम रखती हूँ। तो मेरे बच्चे उसी तरीके से पसंद करते हैं, तो जैसे बच्चे पसंद करते हैं मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो सबको अपनी आदत हो जाती है, पता होती है कि घर में कौन कैसी चीज़ें पसंद करता है। तो हमारा तो रोज़ का काम है सुबह शाम का, तो हमको आदत हो गई है इस चीज़ की। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे तार नंगा देख रहे होंगे, तो जो पुराना फ्लैट था उस पर एक चूहे ने इसको काट दिया था, तो करंट तो नहीं लगता है इसमें, लेकिन इस पर मैं टेप लगाऊंगी अभी। आजकल मैं देखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ इसको, जब मैं इसको यूज करती हूँ तो मुझे याद आता है, लेकिन मैं आज इसको पक्का इसमें टेप से कवर कर दूंगी ताकि कोई करंट ना लगे। और यहाँ पे फिर मैं मैंगो शेक बना रही थी, अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और मुझे मिक्सी से ज़्यादा पता नहीं क्यों अब ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे हर चीज़ अच्छे से हो जाती है। आपको ग्रेवी बनानी हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ब्लेंडर से अच्छे से हो जाती है, तो सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको धो रही थी साथ के साथ ही, क्योंकि मैंगो शेक बनाया है तो फिर वो चिपक जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, तो साथ के साथ ही इसको धो के रख देना चाहिए। और इसका जो बटन है वो भी ऑफ कर दिया था। अब बनाऊंगी मैं सैंडविच, तो सैंडविच बहुत ज़्यादा सिंपल बनाऊंगी, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जब बनाती हूँ, तो अपने लिए तो मैं हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ इसमें, लेकिन अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के हिसाब से ही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। आलू को अच्छे से मैश कर दूंगी, और ये थोड़े गर्म है आलू तो मेरे हाथ थोड़े जल रहे थे, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी मैं। और जो मैंगो शेक है उसमें दूध ठंडा था तो मैंने बर्फ़ नहीं डाली है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, और आलू इतने ठंडे हो जाएंगे तो लगातार जो भी मुझे काम नज़र आते हैं तो वो मैं करती रहती हूँ। तो झाड़ू लगाऊंगी मैं, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। मतलब तैयारी तो मैंने कर ली है, लेकिन फाइनल जो बनाना होता है, जैसे कि अब मैं सैंडविच बनाऊंगी वो करूंगी मैं, और बच्चे तब तक टूटू ब्रश वगैरह कर लेगा, तो कभी कभी नहा लेते हैं बच्चे सुबह सुबह, कभी कभी ब्रश कर लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट हमेशा बच्चों को जल्दी देना ही चाहिए। ये कहते हैं कि अगर आप उठते ही आधे घंटे के अंदर ही आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आप उठते हो तो जैसे बहुत से दोपहर तक भूखे रहते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और मेरे बच्चों को
ब्रेकफास्ट की बहुत बुरी आदत है, वो रुक ही नहीं सकते ब्रेकफास्ट के बगैर, तो मैं हमेशा उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रखती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा कि चलो झाड़ू का काम निमट जाएगा, उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी, और भी मेरा काम है तो वो कर लूँगी, किचन भी मुझे साफ़ करनी है। तो झाड़ू के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं पिट्ठी बना लूँगी, हमारे यहाँ पर पिट्ठी बोलते हैं। तो इसमें मैंने आलू में मैंने नमक और लाल मिर्च डाली है, बस बच्चे यही वाले सैंडविच खाते हैं। अगर मैं अपने लिए बनाऊँगी तो मैंने पहले भी बताया कि मैं हरी मिर्च, प्याज और धनिया बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं, तो बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं। मैंने रख दी है कढ़ाई, और मैं हल्का सा जो ये पिट्ठी है इसको फ्राई कर लूँगी, तो इससे जो कच्चापन सा होता है पिट्ठी का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है घी, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें जीरा, और आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो, लेकिन मैं हींग वगैरह नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी इसको। अब इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, और जैसे ही ये हल्का सा तड़क जाएगा तब इसमें मैं डाल दूँगी ये पिट्ठी, और अच्छे से इसको चला लूँगी मैं, मतलब ये अच्छे से थोड़ी सी भुन जाएगी, फ्राई सी हो जाएगी, तब इसके बाद मैं सैंडविच बनाऊँगी। और बहुत अच्छी लगती है, मतलब अगर सिंपल बनाते हैं तो थोड़े कच्चापन सा लगता है पिट्ठी में, और इस तरीके से अगर हम इस पिट्ठी को अच्छे से मैश करके बनाएंगे तो टेस्टी हो जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ यहाँ पे। सैंडविच बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है, और जो आलू हैं वो मैं दो ब्रेड लेके उनके बीच में भर दूंगी, और इस तरीके से दबा दूंगी, और अब लगाऊंगी मैं घी। और ये प्लेट ले ली है मैंने रखने के लिए, थोड़ी किचन छोटी है तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और इसको मैं ऐसे सेकूंगी, मेरे पास सैंडविच मेकर था लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो वो टूट गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, वरना मैं सैंडविच मेकर में ही सैंडविच बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनता है। तो देखते हैं कब तक आएगा वो दूसरा। और यहाँ पे तवे पर भी अच्छे से बन जाते हैं वैसे तो, अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पर भी अच्छे से बना सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने जो आँच है वो तेज़ कर रखी है, क्योंकि बस इनको थोड़ा ब्रेड है उनको अच्छे से सेकना है। तो ये देखिए मैं अच्छे से दबा रही थी इसको, और ये थोड़ी देर में ही सिक जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। सैंडविच बनके हो गए हैं तैयार, तो मैं थोड़ी सी मेयोनीज निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं सैंडविच को मेयोनीज के साथ खाना। और यहाँ पे मैं इनके पीस कर दूंगी बीच में से, तो इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से मैंने पीस कर दिए हैं चाकू की हेल्प से। और फिर अब एक मग में ले लूँगी मैं मैंगो शेक टूटू के लिए, और अभी मिश्का थोड़ा मना कर रही है, थोड़ी देर बाद खाएगी, तो वो 10-15 मिनट बाद ही खाएगी, तो फिर तब तक मैं टूटू को सैंडविच और दे देती हूँ। तो ये है मेरे बच्चों का ब्रेकफास्ट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप भी खा लीजिए सुबह सुबह। और हेलो फ्रेंड्स,
माई चैनल सुदेश नागर ब्लॉग्स। तो मॉर्निंग का जो भी काम है सारा हो गया है, बस लास्ट पोछा बचा हुआ है और मैं और मेरे बच्चे नहाएंगे और हस्बैंड चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके फैक्ट्री, तो वो दोपहर में ही आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो पोछा लगाना है, तब तक आप अपनी थोड़ी स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो ये है ओरिजिन का मुल्तानी मिट्टी पाउडर, बहुत अच्छा है और मेरे जो है पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और गर्मियों में मुझे एक प्रॉब्लम और होती है कि मेरी स्किन ऑयली है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयल सा निकलता है मेरी फेस में से। तो मैंने ये दो बार पहले यूज कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा इसको यूज नहीं करना, बस हफ्ते में एक बार इसको यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा इसके फायदे हैं। तो ये जो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, रंग साफ करता है, जैसे आपके फेस से ऑयल निकलता है तो ऑयल को भी ये रोकता है। और कील मुहासे, दाग धब्बे, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप सबको पता है कि मुल्तानी मिट्टी कितना इफेक्ट करती है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसको आपको जैसे मुल्तानी नॉर्मल आप मार्केट से लेके आओगे तो उसको भिगोना पड़ता है पहले कुछ टाइम के लिए, फिर अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये आपको साथ के साथ इसमें आप गुलाब जल या फिर इसमें नॉर्मल पानी डाल सकते हो और फेस पे लगा सकते हो। और अगर आपको कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसमें आप नींबू डाल सकते हो, नींबू, एलोवेरा जेल, हल्दी पाउडर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, बहुत अच्छा फेस पैक बन जाएगा। लेकिन मुझे ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है सिंपल लगाने में, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख रहे हो मुल्तानी मिट्टी पाउडर 2 चम्मच लिया है और इसमें ऐड कर लिया है पानी। और पानी आपको नहीं ज़्यादा ज़्यादा डालना है ना कम डालना है, बीच का सब पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके का पेस्ट बनाया है जिससे कि मेरे फेस पे अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और बहुत अच्छा इसका कलर है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की मुल्तानी मिट्टी है ये। तो चलिए लगा लेते हैं इसको फेस पर। अदर काम कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। तो मिलती हूँ आपको मुंह धोने के बाद, अच्छे से जब ये सूख जाएगी तब मैं मुंह धोऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। फिर सारा काम फिनिश हो गया है, मैं नहा के भी आ गई हूँ और आप देख रहे हो मुल्तानी मिट्टी से कितना एकदम से इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए मेरे के यहाँ पे भी फुंसी या पिंपल टाइप का कुछ हो गया है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और गर्मियों में मुझे प्रॉब्लम होती है। मुल्तानी मिट्टी से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुल्तानी मिट्टी को बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।